सोनी टीवी के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति का 14वां सीजन जबरदस्त ढंग से लोगों को मनोरंजित कर रहा है। शो की पहली करोड़पति कविता चावला बन चुकी हैं, तो वहीं नवरात्रि स्पेशल सेगमेंट भी काफी रोमांचक होने वाला है। सोनी टीवी ने शो का एक प्रोमो शेयर किया है जो कि दिल को छूने वाला है। दरअसल प्रोमो में हॉट सीट पर कोटा की रहने वाली शुभ कंवर बैठी नजर आ रही हैं, वो भी पूरे पारंपरिक अंदाज में। राजस्थानी लहंगा चुन्नी पहने शोभा ने खुद को 450 बच्चों की माँ बताया, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें सलाम किया। दरअसल शोभा कंवर बताती हैं कि वो एक सरकारी टीचर हैं, उनकी खुद की संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने रोते हुए बच्चों को हंसाने का फैसला किया और वो टीचर बनी और उनके स्कूल में आज करीब 450 बच्चे हैं। शोभा ने भावुक होते हुए कहा कि वो एक दो नहीं बल्कि 450 बच्चों की माँ हैं और ये बच्चे उनकी और इन बच्चों की वो जान हैं। जिसको सुनने के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल छूने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी में दो लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पहला माँ को और दूसरा गुरु को, और आप दोनों ही हैं। जिसे सुनने के बाद वहाँ मौजूद हर व्यक्ति जोर जोर से तालियां बजाने के लिए विवश हो गया।